सो एक्शन सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए टू यूजिंग अ साइंस टू अट्रैक्ट व्हाट आई वॉन्ट इन माई लाइफ फिर चाहे एस्ट्रोलॉजी ये बोले कि मेरी साढ़े साथ ही चल रही है mm -hmm. लेकिन mm -hmm. अगर मेरी फ्रीक्वेंसी मेरे कंट्रोल में है तो मेरे साढ़ी साथी का जो इम्पैक्ट होगा वो दस गुना कम हो जाएगा हम प्लेटिनम में हमारे ज्वाइन करते समय लोगों को बोलते हैं कि दस साल की सक्सेस एक साल में आप पा सकते हैं हम ये मान के चल रहे हैं कि अक्षय बहुत पॉजिटिव है और उसके आसपास सब लोग बहुत उसके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं हम ये मान के चल रहे हैं करेक्ट हमको क्या पता सच्चाई क्या है मेरे हिसाब से सेलिब्रिटीज में अगर मैं किसी का नाम ओपनली ले सकता हूँ है शाहरुख खान उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है आप उसको कितना भी कुछ भी बोल दो आप शाहरुख खान को बोलो मैं आप एरोगेंट हो हाँ मैं हूँ तो ऐसा होता की एक बार उन्होंने विजुअलाइज कर लिया उनको देख लिया की हाँ आज मुझे अवार्ड मिल गया है आई एम वेरी हैप्पी विजुअलाइज कर लिया मैनिफेस्ट हो जाएगा जब भी आप किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने की कोशिश में जुट जाती है शाहरुख खान ने जब यह डायलॉग अपनी फिल्म ओम शांति ओम में कहा था तो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि क्या ये सच में पॉसिबल है क्या सच में हम उस चीज़ को पा सकते हैं जिसे हम पूरी शिद्दत से चाहते हैं पा सकते हैं आज हिंदी रश पे हमारे गेस्ट लाइफ कोचेज मितेश एंड इंदु खत्री हमें इसी बारे में बताएंगे कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हम अपनी मैनिफेस्टेशंस को रियलिटी में बदल सकते हैं वेलकम इंदु एंड मितेश खत्री थैंक यू बिफोर वी डीप डाइव इन टू दिस टॉपिक ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो बहुत वास्ट है मेरा सिंपल क्वेश्चन है सबसे पहले जो पहली बार आप लोग को अगर देख रहा है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है सिंपल टर्म्स में सो फर्स्टली थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म जिसके जरिए से शायद हम लॉफ ट्रैक्शन बहुत सारे लोगों तक पहुंचा पाए सो लॉ ट्रक्शन सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए इज टू यूजिंग अ साइंस टू अट्रैक्ट व्हाट आई वांट इन माय लाइफ इंसटेड ऑफ चेजिंग इट हम दुनिया में हमेशा हर चीज़ के पीछे भागते रहते हैं बट एक तरीका यह भी है कि आप उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लो वो जो साइंस है उसको हम लॉक्शन कहते हैं इन वेरी सिंपल वर्ड्स बट हाउ डज इट वर्क साइंस इसमें कैसे आता है बिकॉज uh, मैंने जहां तक पढ़ा है बहुत ज्यादा तो लोग ना साइंस होगा इसमें बट कुछ लोगों का ये भी मानना इसमें बिलीव नहीं करते बिकॉज जो साइंटिफिक है वो तो बिलीव करते ही है बट लोगों का मानना ये शायद नहीं है थोड़ा सुपरस्टिशियस भी बोलते लोग इसको तो हाउ डू यू डिफाइन की साइंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम करते हैं हाउ वेरी सिंपल जब हम साइंस की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स आर एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड फेर तो अगर सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं कि रेडियो कैसे काम करता है टीवी hmm. कैसे काम करता है hmm. अभी ये जो चैनल है हमारा ये कैसे काम करता है एवरी थिंग इन यूनिवर्स इज मेड ऑफ एनर्जी दुनिया में हर चीज ऊर्जा से बनी है एनर्जी से बनी है hmm. हर एनर्जी की एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है और वो फ्रीक्वेंसी अपनी ही फ्रीक्वेंसी को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती है दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन ओके तो बहुत सिंपल भाषा में अगर इसको समझाएं तो रेडियो अगर हमने एक पर्टिकुलर चैनल पे ट्यून कर लिया hmm. मान लो विविध भारती वन hmm. जीरो अगर आपने लगा दिया तो क्या आपको 93.5 सुनाई देगा नहीं क्यों नहीं क्योंकि हमने भारती लगा रखा है Absolutely. तो क्या वो साइंटिफिक है के बिलीफ है दिस इज साइंस 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 या करेक्ट तो अगर उसका हम समझे mm -hmm. तो वो जो रेडियो वेव्स हैं उसकी mm -hmm. एक फ्रीक्वेंसी होती है या yeah. अब उसी तरीके से हमारी फीलिंग्स की एक फ्रीक्वेंसी होती है ओके okay. और उसको आज की तारीख में आप मेजर कर सकते हो देयर आर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जो मेरे घर पे हैं जिनको यूज करके आप उस फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हो आप ईईजी लगा के अपने ब्रेन पे जिसको हम ब्रेन स्कैन बोलते हैं आप अपनी ब्रेन वेव्स को मेजर कर सकते हो आज की तारीख में आप यह समझ सकते हो कि जब आप एक हल्के से अच्छे मूड में होते हो रात को सोने के पहले जो एक हल्का सा लाइट मूड होता है या सुबह उठते समय जो मूड होता है उसको हम कहते हैं एल्फा फ्रीक्वेंसी फोर्टीन टू ट्वेंटी के बीच की फ्रीक्वेंसी होती है टू टू के बीच फ्रीक्वेंसी दैट्स द मेजरमेंट अब आप पूछोगे कि क्यों जीरो तो वो तो एक फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट दे दिया गया है इट्स अ यूनिट इट्स अ यूनिट टू मेजर दैट फ्रीक्वेंसी मतलब हाँ, मुझे मतलब यही जानना है कि ये फ्रीक्वेंसीज हाउ डू दे एक्चुअली वर्क लाइक आप बोल रहे हो कि येस, वी कैन मेजर देम ठीक है बट हाउ आर दे एक्चुअली वर्किंग मुझे okay. वो समझना है डन अभी आप मेरे नजदीक बैठे हो हां हम ह्यूमन बीइंग्स नहीं है हम फीलिंग बीइंग्स है okay. जैसे रेडियो वेव्स है वैसे फीलिंग बीइंग्स है okay. तो जब आप मेरे नजदीक आते हो तो मेरे बॉडी से एक ऊर्जा एमिट होती है वी आर अ रेडियो ट्रांसमिटिंग ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग मशीन जैसे एक रेडियो ब्रॉडकास्टर से रेडियो ट्रांसमिशन होता है वहां से एनर्जी ट्रांसमिट होती है तो कैसे काम करती है इनविजिबल लेवल पे वो ब्रेन वेव्स अभी भी इस पूरे रूम में घूम रही है hmm. ऐसा नहीं है कि जब आप रेडियो लगाते हो तो वो फ्रीक्वेंसी बन रही है ऐसा नहीं है फ्रीक्वेंसी hmm. इसी रूम में है। हम सिर्फ उसको ट्यून कर रहे हैं ओके करेक्ट है उसी तरीके से मेरी बॉडी के अंदर एक फ्रीक्वेंसी है पॉजिटिव नेगेटिव hmm. अब इसको रेडियो वेव्स नहीं बोलोगे इसको फीलिंग्स बोलोगे अब इसका प्रूफ क्या है किसी इंसान के नजदीक जाते हो और आपको लगता है यार कुछ गड़बड़ है जबकि उसने बेचारे ने अभी तक बात भी नहीं की अब ये आपको कैसे पता चला? Because we are feeling beings. आपको एक सेंसेशन आ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है तो उसे हम मतलब जैसे हम बोलते हैं कि इसका और ऐसा है आप अपनी सेवन चक्रा की ओरास को मेजर कर सकते हो साइंटिफिकली हर चक्रा का जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्लोबली मेजर हो चुका है और अब उसकी यूनिट्स है जैसे हमारा सेंटर ऑफ द स्टमक जो है हाँ। इसको हिंदी में बोलते हैं सोलर प्लेक्सस इंग्लिश में बोलते हैं और इसको अगर आप बोलोगे यहां पे जो हमारा चक्रा है इसकी अगर फ्रीक्वेंसी कम हो जाए इसकी ताकत अगर कम हो जाए तो आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा Okay. तो जिस इंसान का कॉन्फिडेंस कम भी है उसका भी अग्रेशन भी कम हो जाएगा उसका हाँ, कॉन्फिडेंस हाँ। कम हो जाएगा हाँ। तो अब हमारे एक एडवांस लॉ फ्रैक्शन का वर्कशॉप है जहाँ पे हम सेवन चक्र सिखाते हैं लोगों को और उसको कैसे एक्टिवेट करना सिखाते हैं क्योंकि है तो अपने अंदर की फ्रीक्वेंसी जिसने उस फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट कर लिया उसका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है बिकॉज उसके अंदर उस एरिया में एनर्जी आ गई

शाहरुख खान खाना एंड दैट इज हिज फ्रीक्वेंसी तो आपको नजर नहीं लगेगी और अगर आपको कोई नज़र लगा रहा है कॉन्शियसली hmm. आप उसको कैंसिल कर सकते हो यू यूज़ राइट फ्रीक्वेंसीज एंड इफ यू यूज़ राइट टेक्निक्स इन मैं ऐड ट्रैक्शन प्लीज तो so, अगर आपको नॉर्मल hmm. इंसान हो और आपको लग रहा है कि आपको नज़र लग रही है hmm. आपको कुछ खास नहीं करना है अगर आपको लगता है कि आप यहाँ तैयार होकर जा रहे हो और बहुत सुंदर लग रहे हो या आप आज डिस्प्ले करने वाले हो अपने फाइनेंशियल से या जो भी है आपको hmm. जो भी रीजन लग रहा है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको नज़र लग जाएगी hmm. आपको बहुत सिंपल करना है आपको सिर्फ चांट करना है हो अपनो विच इज़ आई एम सॉरी प्लीज़ फॉर गिव मी आई लव यू थैंक यू अगर आप ये कंटिन्यूसली चैंट करेंगे फॉर अराउंड से टेन फिफ्टीन टाइम्स आपके अराउंड uh, एक और बन जाएगा जो कि पूरा पॉजिटिव और रहेगा और अगर आपके आसपास कोई भी नेगेटिव एनर्जी आती है वो इट विल गेट बैक एंड यू विल नॉट गेट अफेक्टेड बाय नज़र कोई चांस ही नहीं है नज़र लगने का फिर आपको काला धागा पहनना नहीं है और काला टीका भी लगाना <laughs> नहीं है <laughs> ठीक है ये जो और वाला पॉइंट है ऑल्सो अबाउट द सेवन चक्रा ये एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्टेड है ये लाइक like, मैं खुद फॉलो करती हूँ so so, yes. कर ग्रह यहां पर है यहाँ पे हैं तो जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी पता चलती है हुँ. उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कल आपके साथ अच्छा होगा बुरा होगा हुँ. कुछ हद तक आप फ्रीक्वेंसी प्रिडिक्ट कर सकते हो पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम ये समझ रहे हैं कि कैसे हम उस फ्रीक्वेंसी का यूज करके अपने फ्यूचर को बदल पाए अपने फ्यूचर को क्रिएट कर पाए दैट इज लॉ अट्रैक्शन सिंपल भाषा में अगर बोलूं अगर मैं खुश हूं तो मुझे आसपास की फ्रीक्वेंसी के वैसे ही लोग मिलेंगे कैसे हुँ। लोग मिलेंगे जो मुझसे खुश है या जो खुश रहते हैं अगर मैं सैड हूं तो मुझे कैसे लोग मिलेंगे जो, जो खुद ही बहुत सैड रहते हैं तो ऐसे लोगों का एक गैंग बनता रहता है हैप्पी लोगों का एक गैंग बनता है आप किसी भी ऑफिस में देखो एक जैसे लोग एक दूसरे के साथ ही घूमते रहते हैं कंट्री में देखो एक दूसरे के जैसे एक दूसरे साथ में घूमते हैं कुछ लोग जो स्ट्रगल करते हैं हमेशा स्ट्रगलर्स को ही मिलते रहते हैं और उनका अपना एक टोली बन जाता है फिर वो स्ट्रगलिंग की बातें करते रहते हैं जो बिलेनर होते हाँ। हैं क्या वो स्ट्रगल के साथ रहते हैं नहीं क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी अलग है एनवायरमेंट के बारे में मुझे थोड़ा और क्वेश्चन था लाइक uh, बॉलीवुड like, uh, से कनेक्ट करके मैं बोलती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हम uh, अगर अक्षय कुमार को देखें या फिर कबीर खान सो so, पास्ट इनकी मूवीज जो थी तीन चार साल पहले बैक टू बैक सारी ब्लॉक बस्टर तो एक काइंड kind ऑफ of उनका एनवायरमेंट जो था वो ब्लॉक बस्टर वाला ही था वो उसी जोन में थी बट अभी लास्ट फ्यू ईयर से अक्षय <coughs> कुमार की बैक टू बैक फ्लॉप भले कितनी भी करोड़ की सौ करोड़ की फिल्मों या फिर कबीर खान को देख लो इवन द मोस्ट अवेटेड इतना एक जिसके लिए लोग हाइप बना हुआ था चंदू चैम्पियन इवन इट डिड नॉट वर्क बट उनका एनवायरनमेंट तो हमेशा पॉजिटिव था वो वैसे ही सोचते थे कि मेरी हिट होगी तो ऐसे डाउनफॉल कैसे आता है जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है और वो सोच ही रहा है पॉजिटिव ओके सो मेनी थिंग्स प्ले अ रोल इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से अक्षय के लाइफ में क्या चल रहा है हम ये मान के चल रहे हैं कि अक्षय बहुत पॉजिटिव है और उसके आसपास सब लोग बहुत उसके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं हम ये मान के चल रहे हैं करेक्ट हमको क्या पता सच्चाई क्या है बट मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जो मेरे लाइफ में होता है वो मेरा मैनिफेस्टेशन है ये मुझे क्यों मालूम है क्योंकि अगर कोई चीज की फ्रीक्वेंसी नेगेटिव है वो मेरे पास तभी आएगी जब मेरी फ्रीक्वेंसी से वो मैच करेगा hmm. नहीं तो मेरे पास कैसे आ सकती है साइंटिफिकली कैसे पॉसिबल है? है, पहली बात, hmm. दूसरी बात। दूसरी मैनिफेस्टेशन के दो डेफिनेशन डेफिनेशन होते हैं। पहला पहला हमेशा लोगों को याद रहता है, को याद रहता दूसरा कोई नहीं रखता। कि ऑफ ट्रक्शन इज नॉट ओनली वॉट अच्छा ओके एग्जाम्पल मेरे अच्छे फील करने से सक्सेस आती है दैट्स द्रू बट सक्सेस इज नॉट गोइंग टू बी हंड्रेड परसेंट सक्सेस कभी तो फेलियर आएगा करेक्ट तो जब लाइफ में फेलियर आएगा उस फेलियर को मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ इज माई फ्रीक्वेंसी जिसकी वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी आप देखोगे कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जिनके लाइफ में फ्लॉप आई और फ्लॉप के साथ वो घर चले गए हाँ जी। बट कुछ इंडस्ट्रीज एक्टर्स ऐसे हैं जो सीजन है फ्लॉप आती है बट उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं क्योंकि उनकी वो फ्रीक्वेंसी है ही नहीं mm -hmm. फेलियर फील करने की उनकी वो फ्रीक्वेंसी शायद है ही नहीं mm -hmm. उनकी हैबिट कुछ ऐसी उनकी इमोशनल हैबिट कुछ ऐसी है सो दे बाउंस बैक एंड दे कम अप अनदर हिट फेलियर इज नॉट ओनली अ रिजल्ट ऑफ वट आई एम अट्रैक्टिंग इट इज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल रियलिटी बट हाउ आई रिएक्ट इज माई लॉ अट्रैक्शन वो मेरी रियलिटी क्योंकि जब मैं कहता हूं लॉव अट्रैक्शन तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं भगवान हूँ ना कि सब कुछ ही अच्छा चलेगा mm -hmm. मेरे बोलने के हिसाब से नॉट ट्रू

वो नेचुरली लो फील करेगा वो उस टाइम पे अपनी फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज कर पाएगा बिकॉज वो नेचुरल है फॉर एग्जाम्पल अगर उसके घर में डेथ हुई है या उसकी जॉब चली गई है कोविड में कुछ हो गया वो कैसे नेचुरली फ्रीक्वेंसी चेंज कर जाए मतलब Very ये या लाइक कोविड में तो सब लोग ही बाई डिफॉल्ट ही लो ही थे आई मीन बिकॉज सो मच वॉज हैपनिंग इन द वर्ल्ड राइट तो फिर आप गरें गरें गरें। फिर कैसे करेंगे आप <laughs> yes, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली कि अगर किसी के घर पे डेथ हो गई है तो सैड फील होना तो नेचुरल है exactly. <laughs> आपने कहा कोविड के टाइम पे सारे ही लो थे वो <laughs> भी नेचुरल था वी हैव टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग आर बिलीव हम अपने बिलीफ को क्वेश्चन नहीं करते दो टाइप के बिलीफ होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव और ये दोनों फ्रीक्वेंसी है पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक करेगा नेगेटिव नेगेटिव को अट्रैक करेगा अगर किसी का ये मानना हो चुका है कि किसी के जाने से मेरी जिंदगी खत्म तो अब वो वो ही अट्रैक्ट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी वैसी चल रही है वो वैसा ही अट्रैक्ट करता रहेगा okay. अगर किसी का ये मानना ही हो गया है कि ग्लोबल क्राइसिस में हम डाउन ही फील करेंगे तो वो डाउन ही फील करेंगे बट लेट्स क्वेश्चन क्या ये सच है

Feelings, हमारी फीलिंग में एनर्जी okay. है, है हमारी बिलीव्स में एनर्जी है हमारे एक्शंस में एनर्जी है हम किसी से रूडली बात करते हैं वो एक एक्शन है क्या आपको फर्क पड़ेगा अगर मैं आपसे रूडली बात करूँ मुझे नहीं पड़ेगा हाँ तो ये इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी को खुद कंट्रोल कर रहे हो मतलब आपके इमोशंस किसके कंट्रोल में हुए आपके हुँ, हुँ. तो अगर आपके इमोशन आपके कंट्रोल में है तो आपकी फ्रीक्वेंसी आपके कंट्रोल में है अगर आपकी फ्रीक्वेंसी आपके कंट्रोल में तो आपका अट्रैक्शन आपके कंट्रोल में है ओके तो okay. फिर चाहे एस्ट्रोलॉजी ये बोले कि मेरी साढ़े साथी चल रही है हम्म लेकिन हु, अगर मेरी फ्रीक्वेंसी मेरे कंट्रोल में है तो मेरे साढ़े साथी का जो इंपैक्ट होगा वो दस गुना कम हो जाएगा मैं नहीं okay. कह रहा हूं एस्ट्रोलॉजी गलत है हाँ, हाँ. मैं समझता हूं कि कुछ एस्ट्रोलॉजी की चीजें साइंस हैं बट उस पीरियड में आप देखोगे देर वॉज अ टाइम अगर आप इस पर थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है

अब इसमें उस जवाब पे मैं वापस आता हूं जो मैं बिलीफ वाला आपको बोल रहा था हुँ. कि अगर हम बिलीव करने लग जाएं कि टाइम कितना भी बुरा हो मुझे जो करना है मैं कर ही लूंगा द तो 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 मोमेंट वी से फीलिंग्स को भी चेंज करके हुँ. हमको सिर्फ फीलिंग्स नहीं चेंज करनी है आज खुश हो गए कल सैड हो गए ये भी चेंज है हमको इमोशंस की हैबिट चेंज करनी है पहले अगर मेरी हैबिट है हैप्पी रहने की सिचुएशन बुरी होगी तो भी मैं हैप्पी रहूंगा अगर मेरी हैबिट है स्ट्रेस लेने की सिचुएशन अच्छी होगी तो भी मैं स्ट्रेस लूंगा दिस इज कॉल्ड इमोशनल हैबिट तो जब मैं कह रहा हूं कि हमको फीलिंग चेंज करनी है तो हमको सिर्फ फीलिंग नहीं चेंज करनी है हमको फीलिंग्स की हैबिट चेंज करनी है कि मुझे लगातार क्या फील होने की हैबिट है हैबिट क्या होती है जो हम कंट्रोल करते हैं या जो हमको कंट्रोल करता है क्या कि, कि, किस चीज को हैबिट बोलिए नहीं हैबिट वो है जो हमको कंट्रोल करता जो हमको है हमको कंट्रोल करती है really? हैबिट हाँ. एक बार हैबिट लग गई किसी चीज की हाँ. तो अब हैबिट हमको कंट्रोल कर रही है True. उसी तरीके से इमोशंस की हैबिट होती है hmm. तो जो इंदू ने भी एग्जाम्पल दिया कि मान लो जॉब हो या शादी हो hmm. अगर आप उस एरिया में स्ट्रेस्ड हो फिलहाल एनवायरमेंट की वजह से मान लो बॉस पसंद नहीं है रिलेशनशिप hmm. में पति पसंद नहीं है hmm. जो भी है hmm. <laughs> उस वक्त अगर मुझे आदत है स्ट्रेस लेने की तो वो दस गुना बढ़ जाएगी आदत Absolutely. क्योंकि मैं एक स्टेटमेंट इंग्लिश में बोलना चाहूंगा फिर उसको कोशिश करता हूँ कि हिंदी में बोलू क्राइसिस एंड अपॉर्चुनिटीज डोंट मेक यू फील एनी दे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाईर एग्जिस्टिंग इमोशनल हैबिट्स टाइम्स मतलब हम इस बात से कन्विंस्ड हैं पूरी तरीके से कि क्राइसिस में हमको बुरा लगता है hmm. ये नेचुरल है नेचुरल hmm. hmm. नहीं है <laughs> <laughs> हम <laughs> इस बात से कन्विंस्ड हैं कि कुछ अच्छा होगा तो अच्छा फील होगा कन्विंस्ड हो हाँ. ये ये सही नहीं है ये How? गलत है अलप्रूविंग <laughs> <देए। laughs> क्राइसिस और अपॉर्चुनिटीज क्राइसिस <laughs> 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 और अपॉर्चुनिटीज हमारी एग्जिस्टिंग इमोशनल हैबिट्स को मल्टीप्लाई करता है दस गुना टाइम yes. कैसे मेरी जो इमोशनल हैबिट है वो समझ लो एक, एक फायर है और हमारी जो सिचुएशन है वो फ्यूल की तरह काम करती है ओके। अगर मुझे आदत है जिंदगी में स्ट्रेस लेने की और मार्केट ऊपर गया स्टॉक मार्केट ऊपर गया तो मुझे खुश होना चाहिए बट आपने नहीं देखा जो मार्केट जब ऊपर भी जाता है तो कुछ लोगों को जिनको स्ट्रेस लेना हो तो स्ट्रेस ले लेते हैं क्या बोल के कि अरे तो फेक चल रहा है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ होने वाली है ऐसे कैसे मार्केट ऊपर जा सकता है निकाल लो पैसे ऐसे जल्दी निकाल लो ऐसे कैसे हो सकता है कुछ तो गड़बड़ होने वाली है कुछ ना जिसको स्ट्रेस लेना है वो अच्छे समय पे भी स्ट्रेस लेगा उसका बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं आप ही के फैमिली में एक मेंबर गारंटी ऐसा होगा जो छुट्टी पे है लेकिन स्ट्रेस ले रहा है हर फैमिली में होता है ऐसा नहीं है कि किसी और के फैमिली में बोल रहा हूं मेरी भी फैमिली में जो छुट्टी के दिन भी इतना बिजी रहेगा सबकी मदद करेगा पर पूरा स्ट्रेस में है क्यों उसको स्ट्रेस की आदत है तो छुट्टी क्या है क्राइसिस बोलोगे क्या अपॉर्चुनिटी बोलोगे अपॉर्चुनिटी तो फिर वो स्ट्रेस में क्यों है आपके हिसाब से तो अपॉर्चुनिटी में इंसान को खुश रहना चाहिए नहीं सिचुएशंस हमको ना खुश करती है ना दुखी करती है जो हमारे अंदर है उसको मल्टीप्लाई करती है ओके okay. एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ वी आर ऑन अ चैनल जहाँ पे हाँ, हम सेलिब्रिटीज को बहुत बुलाते हैं हाँ, तो एक हीरोइन है नाम नहीं ले पाऊंगा मैं बट उसको कुछ समय से स्ट्रगल चल रहा था जहाँ पे उसकी कुछ मूवीज उसके हाथ से निकल गई अच्छा तो वो बोली कि मेरी आदत ऐसी है कि अगर कोई मूवी मेरे हाथ से निकल जाए उसके बाद में मैं चार दिन कोप भवन में चली जाती हूं <laughs> ये, उसके शब्द मेरे नहीं <laughs> तो मैंने कहा उसका मतलब क्या है <laughs> तो बोली फिर चार दिन में डिप्रेशन में रहती फिर मुझे बोली चार दिन बाद बाहर आ जाती हूँ <laughs> <laughs> पर चार दिन तो मैंने कहा आप इसको क्या बोलोगे नेचुरल बोलोगे कि गलत बोलोगे <laughs> <laughs> क्या जवाब था उसका नेचुरल नहीं तो प्रॉब्लम है हम एक ऐसी चीज को नेचुरल बोल रहे हैं जो नेचुरल है ही नहीं क्या इंसान पैदाइशी ऐसा पैदा हुआ है कि कुछ गलत हो तो चार दिन को भवन में चले जाओ नहीं। तो फिर हाँ। वो नेचुरल कैसे हुआ पेड़ हरा होता है ये नेचुरल है हाँ। जन्म होता है मृत्यु होती ये है ये नेचुरल है बारिश आती है तो हम भीग जाएंगे ये नेचुरल है हाँ। लेकिन बारिश नहीं आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भीग गया ये नेचुरल कैसे हुआ ये तो हमने सीखा है या। तो ये हमने सीखा है कि अगर कुछ गलत होता है तो हमको कोप भवन में जाना है चार दिन के लिए बुखार में रहना है बीमार रहना है टेंशन में रहना है तो वो टेंशन में थी चार दिन फिर मैंने उसको एक ऐसी बात याद दिलाई जो उसने पहले कभी नहीं सोची मैंने कहा चार दिन बाद बाहर आ जाते हो <laughs> बोलिए हाँ मैंने कहा एक महीना लगाते हो बोले नहीं, नहीं नहीं एक महीना कभी नहीं, नहीं लगा आज तक <laughs> मैंने कहा कभी तो लगा होगा <laughs> बोले नहीं एक महीना कभी नहीं लगा मैंने कहा मैक्सिमम कितना लगा हफ्ता मैक्स तो मैंने कहा तो ये आपके हैबिट है तो जहाँ आपके पास नेगेटिव हैबिट्स है पॉजिटिव हैबिट्स भी है कि चार दिन बाद बाहर भी आ जाते हो क्या ऐसे लोग हैं जो महीना भर हैबिट से बाहर नहीं आते होंगे नेगेटिव साल भर भी okay. होंगे साल भर भी होके okay. तो वो उनकी हैबिट है तो अब इस हीरोइन के साथ में मैंने इस एक्ट्रेस के साथ ये किया कि उनकी पैटर्न, उनकी इमोशनल इमोशनल पैटर्न हैबिट चेंज करने का जो स्किल है जो हमने कभी सीखा ही नहीं उनको सिखाया जैसे ही उनको वो सिखाया बिलीव विलीवट नॉट अगले महीने भर में उन्होंने एक पिक्चर साइन कर ली थी अच्छा फिर उनकी दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे मैं जिस भी लड़के को मिलती हूँ गड़बड़ हो जाती है तीन हो चुके हैं, तो वो किसका मैनिफेस्टेशन है वो किसका अट्रैक्शन है? उसका का हाँ। अब एस्ट्रोलॉजी बोलेगा आपकी किस्मत ही खराब है <laughs> <या>। <laughs> नहीं वैसे तो मेरी और इंदु की शादी नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि ये मांगलिक है अच्छा। और हमारी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुंडली नहीं मिलनी चाहिए बट हमने लॉक्शन से कर लिया <laughs> ये भी हो, सकता है। <laughs> ये भी हो सकता है मंगल भी हट सकता है ये जिंदा है अभी तक अभी तक तो जिंदा हूँ <laughs> कहते हैं कि मंगलिक से शादी कर लो तो लड़का जिंदा नहीं रहता हाँ। हाँ। उसमें भी सुपरस्टिशंस रहते हैं ना कि पेड़ से शादी कर लो या हाँ। ऐसा हाँ। पहले उससे कर लेते हैं और मैंने फिर ऐसा कुछ नहीं शादी होती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया उसने डायरेक्ट यही पेड़ से शादी की ओके सो मितेश आपने अपनी एक किसी के बारे में बताया द लेडी जो डिप्रेशन जिनको एक्ट्रेस एक्ट्रेस जो चार दिन वो डिप्रेशन में रहती थी उसके बाद ठीक हो जाती बत, थी या तो ये उनकी आदत थी बट आपको पता है ना कि डिप्रेशन एक सीरियस इश्यू भी है सो फॉर एग्जांपल आप बॉलीवुड की बात कर रहे थे तो सुशांत सिंह राजपूत ही वॉज इन डिप्रेशन और उन्होंने कमिट किया था सुसाइड अगर वो लाइफ कोचिंग लेते फॉर एग्जाम्पल

एवरी डे रात को नौ बजे जूम पे एक हजार से ज्यादा लोग रोज अटेंड करते हैं एवरी डे और वो लाइव होता है और मैं तीन साल से लाइव कर रहा हूं और रोज कम से कम एक इंसान मुझे बोलता है कल रात की बात बता रहा हूं एक लेडी ने और मैं आपको इसका वीडियो दे सकता हूं कल रात की बात बता रहा हूं शी सेड सर पांच दिन पहले तक मैंने सुसाइड की सोच रखी थी मैं इतनी डिप्रेस थी और मेरे घर में सब कुछ है लेकिन फॉर सम रीजन मैं डिप्रेशन में थी और मैंने डिसाइड कर लिया था मुझे कमिट सुसाइड करना है मुझे ऐसा लग रहा था मेरे जीवन का कोई फायदा नहीं है hmm. बोल रही, पाँच दिन से जब से जब आपका ये सेशन अटेंड किया मैं रोज प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरी जिंदगी में मैं इतनी खुश कभी नहीं रही इट्स really? पॉसिबल पता प्रॉब्लम क्या है हमको इस बात पे भरोसा है कि हमारा अगर सर दुख रहा है और हमें गोली खा लें हाँ. तो गोली पता नहीं कहाँ जाएगी शरीर में लेकिन यहाँ ठीक कर देगी हाँ हाँ. Okay. अब आप इसको प्लसीबो इफेक्ट बोलो या दवाई का एक्चुअल इफेक्ट बोलो और आप मानते हो ना कि सेडोन खाने से या हाँ। कोई दवाई खाने से सरदर्द ठीक हो जाता है, है। क्यों मानते हो क्योंकि ये बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं हाँ। तो आप इसको मान चुके हो बट दिस इज ना अब प्रूफ तो ये भी हो चुका है कि बहुत सारे हजारों लोग ऐसे हैं जो सरदर्द होने के बाद में अगर सही एफर्मेशन बोले सही टेक्निक करे हो अपनोपनो की तो हम उसका सरदर्द दस मिनट में बिना गोली के ठीक कर सकते हैं आप लोग आइए अटेंड कीजिए आप अपने आँखों से देखिए कानों से सुनिए रोज शेयरिंग होता है रोज दो तीन पांच लोग शेयर होते हैं और वो लोग बताते हैं कि आप आ, हमारे लाइफ में क्या क्या रिजल्ट आए और उसमें डिप्रेशन स्ट्रेस

Uh, वो हमारे स्टूडेंट हैं hmm. उनको बहुत उनका ले सकते हैं him, हाँ वी अमोल नाम के एक मराठी एक्टर है उनको त, जब उन्होंने हमें जॉइन किया था hmm. उनके पास में दो प्रॉब्लम्स थी एक उनको कोई अवार्ड चाहिए था अच्छा एंड uh, मतलब चाहिए था एज इन उनको कोई अवार्ड मिल नहीं रहा था एंड hmm. दूसरा उनको कोई मूवीज़ भी नहीं मिल रही थी हमको ज्वाइन करने के बाद में उनको मूवी जो उनको मूवी साइनअप करनी थी जिस टाइप की मूवी उनको साइनअप करनी थी उनको वो मिली विद इन अ मंथ और उसके बाद में उनको अवार्ड भी नॉमिनेशन आया फिर उन्होंने हम हमारे साथ शेयर किया कि मेरा नॉमिनेशन आ गया hmm. फिर उन्होंने शेयर किया नॉमिनेशन हो गया।, गया तो हमने सबने मैनिफेस्ट किया और दूसरी बार दूसरे हफ्ते में उन्होंने आके शेयर किया कि उनको अवार्ड भी मिल गया ऑफ कोर्स वीडियो ऑफ करके अटेंड करते हैं बट दे अटेंड द सेम डी प्रोग्राम सो यू आर मोस्ट वेलकम प्लीज़ कम जॉइन प्लीज जिसको हाँ। भी अगर डाउट भी है हेल्थ रिलेटेड या जो भी प्लीज गो टू द लिंक देखो मैं इसमें आपको एक आपके ऑडियंस को भी ये कहना चाहता हूँ एक्शन को सुनने के बाद में दो टाइप के लोग मिलेंगे एक पॉजिटिव भी बोल सकते हैं नेगेटिव भी बोल सकते हैं और जो एक्शन लेंगे जिसको मैं उन लोगों को मैं कहता हूं डिटेक्टिव मतलब अच्छा। ये वो लोग हैं जो भले अच्छा बोले चाहे बुरा बोले बट डिटेक्टिव जाके चेक करेंगे सही है गलत है वो लिंक पे जाके रजिस्टर करेंगे चेक करेंगे कि हां भाई चलता है नहीं चलता है कि ऐसी बोल रहे थे ये लोग दूसरे होते हैं स्क्रोलर्स अब स्क्रोल होते हैं दूसरा वीडियो अब उसमें भी कुछ लोग अच्छा बोलेंगे कुछ लोग बुरा बोलेंगे बट स्क्रोलर्स

एस्टेमोलियन में बोला था कि उनको कुछ चाहिए होता है तो वो ऐसे बोल देती है मिरर के सामने जाके कि हाँ मुझे वो अवार्ड मिल गया मुझे वो मूवी मिल गई Correct. तो अभी मतलब जितना मैंने सुना है जब भी हम लोग कभी कुछ मैनिफेस्ट करते हैं कुछ करते हैं यूजुअली वी हैव टू राइट डाउन कि हम लोग ऐसे लिखते हैं कि यू नो आई वॉन्ट टू डू दिस या आई वॉन्ट टू अचीव दिस बट आलिया ने ऐसे बोला था कि वो सिर्फ जाके वो कुछ नहीं लिखती है वो जाती है मेर के सामने बोलती है कि हाँ मुझे ये अवार्ड मिल गया या मुझे ये मूवी मिल गई right. तो किस हद तक यू नो लाइक इज देर एनी सेट रूल ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑल्सो कि बट वो डिपेंड करता है पर्सन पर्सन टू वो राइट एंड देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट व्हिच विल टेल यू हां सो देयर आर टू थ्री टाइप्स ऑफ देयर आर लॉट ऑफ मोर्डीज एक्चुअली आर ऑल डिफरेंट टेक्निक्स और ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप के इंसान हो आपको क्या रिलेट करता है सो इन एन एल पी देर इज समथिंग कॉल विजुअल ऑडिटरी एंड कैनेस्थेटिक डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी यहाँ पर द पीपल हु बिलीव इन विजुअल्स पीपल हु बिलीव इन फीलिंग्स एंड पीपल हु बिलीवस इन ऑडिटरी सो आप जब बोल रहे हैं कि आपको लिख के अच्छा लगता है और आपको लिख के मैनिफेस्ट यू आर अ कैनेस्थेटिक पर्सन सो यू लाइक टू राइट तब आपको बिलीव होगा और आप मैनिफेस्ट करते फीलिंग पर्सन हाँ मतलब फीलिंग पर्सन अब आलिया भट्ट आलिया भट्ट इज अ विजुअल पर्सन वो विजुअल है मैं सरप्राइज नहीं हूँ शी इज एन एक्ट्रेस सो एक्ट्रेस एक्टर्स आर विजुअल पीपल सो शी इज अ विजुअल पर्सन सो इज मितेश मितेश इज ऑल्सो विजुअल पर्सन विजुअल पर्सन का ऐसा होता कि एक बार उन्होंने विजुलाइज कर लिया उनको देख लिया कि हाँ आज मुझे अवार्ड मिल गया है आई एम वेरी हैप्पी विजुअलाइज कर लिया मैनिफेस्ट हो जाएगा देर आर पीपल हु आर ऑडिटरी दैट मीन्स वॉट उनको बोलना होता है रिसाइट करना होता है तो वो आके रिसाइट करेंगे या ऑडियो लगा देंगे तो दिज आर ऑल डिफरेंट टूल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन तो वो भी सही है अब भी सही है और पीपल जो रीड आउट लाउड करते हैं वो भी सही है दीज आर ऑल डिफरेंट टेक्निक्स और हमारे बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम लोग ऑलमोस्ट सारा पूरे टेक्निक्स का प्लेटर दे देते दे हैं अच्छा। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी पूरा प्लेटर है आप पे डिपेंड करता है आपको क्या कनेक्ट करे आप यूज़ करें अगर आप विजल हो तो आप नेचुरली विजुअलाइज करोगे नेचुरली अच्छा। हाँ। मतलब मुझे बोलने की जरूरत नहीं आप टेक्निक वही पसंद आएगी आपको अगर आप ऑडिटरी हो तो आप एफोमेशन पढ़ोगे

ऑडियो ऑडियो कोई audio का सहाराता है कोई लिखता है कोई विजुअलाइज करता है सो वी हैव सीन ओके अगर मेरे दिमाग में ऑलरेडी स्ट्रेस है बट <laughs> मैं बिलीव करती हूँ मैनिफेस्टेशन में बट मैं ऑल इज वेल बोल रही हूँ कि कुछ गलत हुआ है तो क्या वो सच में ओवरकम करने में हेल्प करता है अच्छा करता है. लोगों को कई बार रिजल्ट नहीं मिलता क्योंकि उस चीज को लोग गलत तरीके से कर रहे हैं या पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं ये बोल देता हूं। मैं गलत नहीं बोलूंगा पर वो पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूं ऑल इज वेल लेकिन मेरे चेहरे पर तनाव है तो उस ऑल इज वेल का कोई फायदा नहीं है नहीं तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंसी मतलब मेरी फीलिंग्स में और मेरी बॉडी लैंग्वेज में समानता होनी चाहिए एक्टर्स क्या करते हैं जब उनको रोना होता है तो एक पर्टिकुलर डायलॉग बोलेंगे बट उस बॉडी लैंग्वेज से मैच होना चाहिए डायलॉग उसको आप एक अच्छा एक्टर बोलते हो ना एक बुरा एक्टर किसको बोलते हो कि वो रो रहा है इसके सीन पे और आप हंस रहे हो ऐसे <laughs> होते हैं ना एक्टर्स क्यों होता है क्योंकि आपको उससे फीलिंग नहीं आ रही कि यार ये कैरेक्टर में नहीं है मतलब क्या उसकी फीलिंग जो डिलीवरी वो कर रहा है डायलॉग और जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो मैच नहीं हो रहे तो क्या पॉसिबल है कि एक एक्टर कॉन्शियसली सैड हो जाए किसी रोल के लिए पॉसिबल है कैसे पॉसिबल है यही तो साइंस है क्या ये पॉसिबल है कि इंसान सच में सैड है बट वही स्किल यूज करके हैप्पी हो जाए अब उसके लिए उसको एक्टर होने की जरूरत नहीं है उस साइंस को समझना जरूरी है सिंपल अच्छा। एग्जाम्पल देता हूँ अभी कोई एक मेरे सामने आता है और बोलता है कि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आते हैं जो लोग पैनिक में होते हैं बोलते हैं रो रहे होते हैं बोलते हैं मुझसे रोना नहीं रुक रहा है ठीक है कोई बात नहीं अभी रोना रोक देंगे तो लोगों को पहली बात तो यकीन नहीं आता कि ये एक मिनट में रोना रोक सकता है ठीक है शर्त एक है कि जो मैं बोलूँगा करना पड़ेगा Okay. गलत कुछ नहीं करने बोलूंगा हाँ. बट जो बोलूंगा हुँ. करना पड़ेगा तो रोना बंद हो जाएगा आपको हुँ. रोना बंद करना है क्या करना है डन तो जो बोलूंगा करोगे करेंगे चलो ठीक है तो हम बोलते हैं लोगों को आप हाथ ऊपर करो ऊपर देखो अपनी जीभ निकाल के अपने नाक को टच करने की कोशिश करो और रोना कंटिन्यू और रोना कंटिन्यू रखो आप रोना कंटिन्यू रखो तो अब वो बोलता है मुझसे ऐसे कैसे होगा

पॉसिबल है कि अगर आप अपने एफर्मेशन को अपनी बॉडी लैंग्वेज से मैच कर लो तो आप अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं सब so जैसे कि हम बात कर रहे थे आपने फीलिंग्स के बारे में बताया। आई वॉन्ट टू नो अगर किसी एक फैमिली में तीन बच्चे हैं उनके वो उसको एक ही तरह की परवरिश दे रहे हैं बट ये जो फीलिंग्स है ये तो नेचुरली डेवलप होती है कुछ तो होगा जो इंसान ऐसे ही सोच रहा है अगर कोई बंदा सोच रहा है कि मैं नेगेटिव हूँ मुझे स्ट्रगल बहुत कोई भी चीज़ मुझे स्ट्रगल करके ही मिलती है मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी या मैं पानी पी लूँ तो भी hmm. मोटी हो जाती हूँ तो इसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा लाइक यू सेड साइंस है इसके Correct. पीछे क्या साइंस है कि लोग ऐसे ही सोच रहे हैं मैं चाह के भी मेरे थॉट्स चेंज नहीं कर पा रही कुछ तो कुछ इम्पैक्ट होता होगा मे बी गुड क्वेश्चन कि एक ही फैमिली में तीन लोग हैं और तीन बच्चे हैं और तीनों का अलग रिएक्शन है लाइफ में और तीनों बड़े बन के कुछ और ही बन जाते हैं कोई स्ट्रगल कर रहा है कोई सक्सेसफुल है कोई नहीं है कोई शादी में सक्सेसफुल है कोई नहीं है यह भी होता है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे एनवायरमेंट से अब लोग एनवायरमेंट को सिर्फ फैमिली समझते हैं फैमिली इज नॉट एनवायरमेंट फैमिली एक पार्ट है एनवायरमेंट का तीनों बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं उनके जो दोस्त बनते हैं वो एक एनवायरमेंट है कि वो किससे प्रभावित हुए वो किस टाइप के लोगों से मिले उनके ऊपर उन लोगों की बातों का क्या असर हुआ एफ टी बी ए इमोशनल हैबिट्स कैसे बनती है किसी भी हैबिट की तरह किसी भी इमोशन को रोज प्रैक्टिस करो वो हैबिट बन जाएगी तो फैमिली का एक बच्चा एक स्कूल में कुछ ऐसे लोगों के साथ मिला जिसको रोज किसी को डोमिनेट करने की आदत हो गई गैंग में तो वो अग्रेसिव हो गया उसको अग्रेसिव होने की आदत हो गई है उसको गुस्सा आता है हर चीज़ पे तो उसके एनवायरमेंट ने उसको गुस्सा वाला बना दिया हो सकता है उस फैमिली के दूसरे बच्चे को किसी और स्कूल में डाला गया हो कुछ अलग तरह के दोस्त मिले हो कुछ अलग तरह के टीचर्स मिले हो उन टीचर्स का भी तो एनवायरमेंटल हमारे ऊपर प्रभाव आता है Absolutely. अगर आप अपनी बचपन याद करो आपको कुछ टीचर्स याद आएंगे hmm. टीचर hmm. तो टीचर हो कॉन्शियसली लेकिन सबकॉन्शियसली उनकी सिखाई हुई चीजें आज तक याद है Absolutely. और वो हमारे बिलीव बन चुके हैं और उस बिलीव की वजह से जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो हमारी फ्रीक्वेंसी बन गई हमारी फ्रीक्वेंसी से हमने उस तरीके के एक्शन लिए एक्शन की वजह से वैसी रिजल्ट आई रिजल्ट आने की वजह से वैसी जिंदगी बन गई तो एक बच्चा फेल कर रहा है एक बच्चा सक्सेसफुल हो रहा है क्यों क्योंकि उसके एनवायरमेंट दोनों के बहुत अलग थे हालांकि घर एक ही था पर उसी घर में एनवायरमेंट अलग हो सकता है उसके बाकी चीजों की वजह से अब एनवायरमेंट इज नॉट ओनली स्कूल दोस्त टीचर्स इट इज ऑल्सो नेबर्स इट इज ऑल्सो मूवीज आज की तारीख में

जैसे अभी रिसेंट बहुत रिसेंट एग्जाम्पल आई थी एक एनिमल जब मूवी आई थी तो बहुत लोगों ने आई मीन देवर अगेन मिक्स रिएक्शंस टू इट है ना True. कुछ तो बोल रहे थे कि इट्स जस्ट अ मूवी ट्रीटेड एज अ मूवी एंड देन देवर अदर्स बोल रहे थे कि नहीं इसकी वजह से लोग बिगड़ जाएंगे या True. ये मूवी है जिसकी वजह से आगे ये चीज़ें होंगी तो जब ऐसे डिस्कशंस होते हैं आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि ये एक्चुअली आपको लगता है कि ये मूवीज़ इन अ सेंस अफेक्ट करती हैं लोगों की फ्रीक्वेंसीज को ऑफ अफेक्ट तो करती है बट इफ यू आर आस्किंग कि ये डिस्कशंस क्यों होते हैं इट्स कॉल्ड पोलैरिटी ऑलवेज क्रिएट्स पोलैरिटी मतलब अगर आप किसी एक्सट्रीम डिस्कशन पे लोगे तो एक्सट्रीम टाइप के लोग आपको रिएक्ट करेंगे करेंगे एग्जांपल देता हूं अभी लॉफ्ट एक्शन की बात हम कर रहे हैं बहुत सारी पॉजिटिव बातें हो रही है बाद में आप जाके चैट विंडो में देख लेना बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे ये गारंटी देता हूं मैं आपको कि जो आप एक्सट्रीम फील करोगे उसका वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री आएगा उसको पूरा करने के लिए नेगेटिव आएगा

जिसको थोड़ा बहुत नेगेटिव सोचने की पहले से आदत हाँ। है जो पहले से मानता है कि लड़कियों को अब्यूज करना चाहिए हाँ। तो वो एक अब्यूसिव सीन देख के और अब्यूसिव हो जाएगा बट जिसको अब मैंने भी तो पिक्चर देखी करेक्ट क्या मैंने अपने रिश्ते में अब्यूज करना शुरू कर दिया नहीं, नहीं। <laughs> क्योंकि मुझे वो आदत ही नहीं है तो पूरी तरीके से पिक्चर को ब्लेम करना गलत होगा मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसी पिक्चर बननी चाहिए बट मैं कह रहा हूँ कि इंपैक्ट उन्हीं लोगों पे होगा जिनकी वो फ्रीक्वेंसी है तो एक गलत इंसान और गलत बन जाएगा एक हाँ, अच्छा इंसान और अच्छा बन अच्छा 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 जाएगा गलत इंसान यह सीखेगा अच्छा ऐसे करना चाहिए नेक्स्ट टाइम। <laughs> <laughs> अच्छा इंसान यह सीखेगा ऐसे ऐसा कभी इंटरेस्ट नहीं नहीं करना बट चाहिए, करना चाहिए। 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 hmm. जिसको नहीं बिलीव है लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके कुछ है उसे आप कैसे कन्विंस वेरिफिकेशन किसी पे मानो ही मत के ये काम करता है कि नहीं करता है ये सबसे अच्छा तरीका है एक लॉजिकल इंसान को कन्विंस करने का okay. कि आप खुद वेरीफाई करो प्रूफ देखो एक साइंटिफिक की तरफ साइंटिस्ट की तरफ साइंटिस्ट कौन होता है जो एक्सपेरिमेंट करके हाँ खुद है है अपने एक्सपेरिमेंट हाँ। करके, करके बोलेगा होता है नहीं होता खुद ही प्रूफ कर देगा सो डोंट बी स्टूपिड स्केप्टिकल पर्सन बी साइंटिफिक स्केप्टिकल पर्सन वॉट इज अटिफिक स्केप्टिकल पर्सन खुद ही एक्सपेरिमेंट करके पता चलेगा चल सही है कि नहीं है hmm. बातों में आओ लोगों के मेरी भी बातों में आओ. किसी की बातों में आओ. भले ही आलिया ने भट्ट ने बोल दिया है कि मैंने विजुलाइज किया तो मैं एक्ट्रेस बन गई hmm. मत भरोसा करो hmm. खुद ट्राई करो ना करेक्ट अगर आप रोज मिररर के सामने जाके बोल रहे हो कि मैं एक्ट्रेस बन चुकी हूं hmm. मुझे अवार्ड मिल चुका है मैं फे, फेमिना मिस इंडिया का अवार्ड ले रही हूं अब इसमें गलत तो कुछ काम नहीं है करेक्ट करके देख लो क्या होगा पता चल जाएगा वेरीफाइड फॉर योर सेल्फ डोंट बिलीव इन पीपल ब्लाइंडली अच्छा एट द आई जस्ट वॉन्ट टू एड टू दैट एट द सेम टाइम जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बी प्रेजेंट टू द अपॉर्चुनिटीज यू आर गेटिंग जब आपको आप बोल रहे हैं कि मिरर के सामने खड़े रहे के मुझे अवार्ड मिल गया है मुझे एक्ट्रेस बन गया है या आ, मुझे एक लाइफ कोच बनना है जो hmm. भी है तो आपके पास में जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगी उन अपॉर्चुनिटीज़ को आपको डिनाई नहीं करना है लेट्स टेक द एग्जाम्पल कि अगर आप बोल रहे हैं कि मैं एक्ट्रेस बन गई हूँ hmm. तो अगर कोई आके आपको बोलता है येस यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल वाई डोंट यू ट्राई मॉडलिंग यू शुड से आई एम लुकिंग लेट मी गो एंड ट्राई मॉडलिंग इंस्टेड ऑफ सेंग नहीं नहीं यार मैं कहाँ मॉडल बनने लायक नहीं डोंट से दैट से यस थैंक यू सो मच यहाँ यूर राइट आई शुड गो एंड ट्राई मॉडलिंग सो जब कोई आके आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है कोई कुछ सजेस्ट कर रहा है तो टेक इट बिकॉज दैट्स अ रिजल्ट ऑफ योर मैनिफेस्टेशन विच यू डिड इट इन द मॉर्निंग इंटरेस्टिंग वन मिलियन लोगों की यू हैव चेंज लाइफ और बॉलीवुड इंडस्ट्री या पॉलिटिशियन सी यो बिजनेसमैन बहुत लोग हैं बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये इतनी अच्छी चीज़ है दिस इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग आप किसी की लाइफ चेंज कर रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन आई बिलीव के सबको पता रहना चाहिए बट वाई दीज एक्टर्स दे आर नॉट स्पीकिंग अबाउट इट

वो इस बारे में और अब इंटरनेट पर जाके वीडियो ढूंढो ऋतिक रोशन ने, ने, ने कई बार ये ने, बोला ने, है कि आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे ये बहुत बार उन्होंने कहा है इसी वजह से उन्होंने हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए अग्री भी किया फिर जैसे अगर आप पुराने एक्टर्स कुछ लोगे तो वन ऑफ द लेजेंड्स इन द हॉलीवुड इंडस्ट्री इज ब्रूसली ब्रूसली ने एक लेटर में लिखा था वो लेटर आज भी इंटरनेट पे आप जाके ढूंढो मिल जाएगा आपको जो मेरी किताब में मैंने उसका सैंपल दिया है

जो लोग नहीं है वो शायद जो लोग नहीं है उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको जब हम किसी को कोच करते हैं तो ये जो सेलिब्रिटीज हैं इनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्क्रूटिनी चल रही है <laughs> तो कुछ अच्छा होता है तो भी उनको क्रेडिट नहीं मिलता कई बार कुछ गलत होता है तो भी उनको क्रेडिट नहीं मिलता तो उनको उल्टा डिस्क्रेडिट कर दिया जाता है सो दे आर वेरी केयरफुल कि हम अगर अपनी पर्सनल लाइफ के सक्सेस के बारे में किसी से कोचिंग ले रहे हैं सो वी डोंट नेसेसरली नीड टू डिक्लेयर इट टू द वर्ल्ड एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ मैं तो सेलिब्रिटी नहीं हूँ एक आम इंसान हूँ hmm. तो अगर मैं किसी से कोचिंग ले रहा हूँ तो क्या मैं यूट्यूब बताऊंगा सबको मैं कोचिंग ले रहा हूँ hmm. hmm. yeah. hmm. hmm. वो सेलिब्रिटी है hmm. पर वो अपनी में किसी चीज से स्ट्रगल hmm. कर रहे हैं exactly. उस चीज को वो पॉपुलराइज क्यों करना चाहेंगे are, हाँ. so, में क्या होता कि, आप कुछ भी कर लो अप्रिशिएट

हमारे डिफेंस की मिलिट्री के पास बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज हैं hmm. जिससे लोगों की मदद हो सकती है बट क्या वो सबको जाहिर करेंगे पूरी दुनिया में फॉर सर्टन रीजन दैट इज द सेम रीजन सम सेलिब्रिटीज डोंट वॉन्ट टू शेयर इज वैलिड टू समस्टेंट ओके सो मूविंग कि बहुत मतलब बॉलीवुड में भी ऐसा लगता है ना ना बहुत बहुत लोग लोग बोलते बोलते हैं हैं कि 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 नजर लग जाती है है मतलब oh अच्छा you know, भाई successful हो like you said, कि कोई successful हो जाता है, तो उसको ये डर लेता है कि अब खत्म हो गया तो क्या होगा हो उसको ये लगता कि नहीं, किसी को बताना नहीं है नजर लग जाएगी सो ना इस नजर इवन रियल फेवरेट क्वेश्चन है आप दोनों दोस्त हो हाँ. एक रूम में जाते हो एक को जोर से छींक आ जाती है एक को नहीं आती ऐसा हुआ है कभी किसी रूम में कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है हाँ, होता हाँ, है ना हाँ, तो जिसको छीक आती है आ, उसको अगर पूछोगे छीक क्यों आई तो बोलेगा थोड़ा सा डस्ट था हाँ, तो उसी रूम में डस्ट था हाँ, दूसरे को छीक क्यों नहीं आई इसका एक कॉमन जवाब आप क्या दोगे किसी डॉक्टर से पूछोगे तो इम्यून जैसे करेक्ट बिल्कुल सही जवाब हमारे इमोशंस की भी एक इम्यून सिस्टम होती है हमारी फ्रीक्वेंसी की एफ टीबी जिसको मैं कहता हूँ हाँ। एक्शंस अगर मेरी इम्यूनिंग इम्यूनिटी इमोशनली कम है हाँ। तो कोई मुझे कुछ गलत बोलेगा तो जल्दी असर हो जाएगा उसकी नजर मुझे लग जाएगी क्यों क्योंकि मेरी इमोशंस की फ्रीक्वेंसी मेरे कंट्रोल में नहीं है अब नजर वाली बात का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ हर बड़ी कंपनी को इंक्लूडिंग रिलायंस एज एन अंबानी कंपनी डिक्लेयर करना होता है टीवी पे एवरी क्वार्टर एवरी क्वार्टर कि उनके क्या रिटर्न आए और क्या आने वाले हैं करेक्ट उनको नजर लगी पिछले पचास साल में हाँ, मैं भी <laughs> है। है। तो देखना हाँ। अगले क्वार्टर में हमारा शेयर बढ़ेगा वो हाँ। हाँ। हो जाएंगे ओलंपिक करते हैं कि अगले साल हम ओलंपिक चैंपियन तो उनको नजर क्यों नहीं लगती क्योंकि उनकी अपनी एक इमोशनल इम्यूनिटी है उनको उस रूम में जाके जहां पे दस जगह पे डस्ट है उनको छीक नहीं आती है अब ये डस्ट कौन है नेगेटिव नेगेटिव पीपल पीपल आर जो आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं गलत ये एनर्जी इनविजिबल लेवल पे अब कैमराज हैं जो ये डिटेक्ट कर सकते हैं तो इसका प्रूफ है ये एनर्जी नेगेटिव लेवल पे आपको आके टच करती है जिसको आप रेडियो वेव्स बोलते हो हम उसको इमोशनल वेव्स बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रैक्शन की भाषा में okay. तो ये वेव आपको आई टच की अब आपकी एक और आपकी एक एनर्जी है आपकी एनर्जी अगर स्ट्रांग है तो वो नेगेटिव एनर्जी आपको इम्पैक्ट नहीं करेगी ओके okay. और अगर आपकी एनर्जी वीक है तो आपको बीमारी हो जाएगी बैक्टीरिया आपको इम्पैक्ट कर देगा आपको सर्दी हो जाएगी और अगर है स्ट्रॉन्ग तो वो बैक्टीरिया आएगा टर्न करके कहीं और चला जाएगा और किसी ऐसे इंसान को ढूंढेगा जिसकी इम्यूनिटी वीक तो है।, है अच्छा मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में अगर बात करूं, मैंने है, मैं, देखती कि जो रिच पीपल है रिच लोगों के मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरे होते हैं <laughs> अमीर के मैनिफेस्टेशन पूरे हो जाते हैं उनकी रिलेशनशिप अच्छी हो जाती है पैसे आ जाते हैं करियर सेट हो जाता है सब हो जाता है लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकता मैंने देखा गरीबों की मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है बहुत कम होती है, होती भी तो रेयर केस नैंसी त्यागी या वो कर... अमीरों को ही मैंने हमेशा अमीर होते हो देखा है ये क्यू -क्यू उनके पास बचपन से ऐसे पॉजिटिवनेस कुछ होता है या फिर इसका रीजन क्या हो सकता है ये बहुत ही फैक्चुअल चीज़ हीटली अग्री टू दैट आई दैट क्योंकि पहला तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास में ठीक है ये तो ये एग्जाम्पल है कि हम दोनों जन बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं इनफैक्ट मेरे देश थोड़े से मिडिल क्लास से थे मैं तो थोड़ा और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ hmm. और हम दोनों ने बहुत सक्सेसफुल किया है uh, सक्सेसफुल हुए इन टर्म्स ऑफ मनी इन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट चारों हेल्थ रिलेशनशिप करियर मनी हेल्थ रिलेशनशिप करियर मनी बट दिस हैपन नॉट बिकॉज वी वर प्योर एंड पुअर डू नॉट अट्रैक्ट और वी वर रिच एंड वी अट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ रिच आई मीन देर वॉज अ टाइम वेन आई वॉज आई वॉज आई टू गेट ओनली टू ड्रेसेस इन अयर दैट वॉज माई टाइम आई स्पेंड दैट काइंड ऑफ कॉलेज लाइफ इन फैक्ट बट अभी मैं नहीं कर रही हूँ इट्स नॉट इट हैज़ नथिंग टू डू विद गरीब अमीर इट हैज़ नथिंग टू डू विद कि मैं किस एन्वायरमेंट में हूँ इन टर्म्स ऑफ मनी इट हैज़ टू डू विद वॉट आई थिंक वॉट आई बिलीव वाट आई फील अबाउट मनी एंड आई ऑलवेज फेल्ट वेरी गुड अबाउट मनी आई ऑलवेज रिस्पेक्टेड मनी आई ऑलवेज एक्सेप्टेड मनी ग्रेशियसली And i आई always treated money graciously with lot of respect and my focus has also been on money hmm. so since I have had focus on money money treated me very well इट्स लाइक like, मेरा बहुत छोटा सा एग्जाम्पल रहता है कि आप मेरे दोस्त हो hmm. अगर आप मेरे घर आओगे मैं आपको प्यार मोहब्बत से रखूँगी hmm. तो आप मेरे घर दोबारा आओगे करैक्ट hmm. 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 अगर मैं आपको डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट करूँगी आप मेरे घर दोबारा नहीं आओगे मनी इज ऑल्सो लाइक अ फ्रेंड अगर वो मेरे घर आ रही है तो मैं उनको अगर प्यार मोहब्बत से रखूंगी ट्रीट करूंगी रिस्पेक्ट दूंगी तो वो मेरे घर दोबारा आएंगी नहीं तो वो नहीं आएगी आई ट्रीट माई मनी एज माई फ्रेंड एंड आई ट्रीट विथ लॉड ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट एंड हैंस वी बोथ ग्रू सो मच वी बोथ केम फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली एंड टूडे वी आर डूइंग रियली वेल इसकी कुछ टेक्निकल चीजें बताता हूँ मैं जैसे हिंदू ने बोला वी केम फ्रॉम दैट फैमिली योर क्वेश्चन वुड बी देन डिड यू ग्रो अदर पीपल हु पुअर डिड नॉट ग्रो ओके सो वी ऑल हैव समथिंग कॉल्ड एज मनी फ्रीक्वेंसी ओके समीक्वेंसी मीन्स द वे यू फील अबाउट मनी वो एफ टी बी ए वापस आ जाएगा द वे यू थिंक अबाउट मनी द वे यू बिलीव अबाउट मनी वॉट यू एक्ट अबाउट मनी ठीक है सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं इज अ बॉलीवुड एक्टर हु सेज इतना पैसा नहीं दोगे तो काम नहीं करूँगा बॉलीवुड एक्टर तो इतना कमाऊंगा दुनिया में कभी सोचना नहीं पड़ेगा पैसे के बारे में लेकिन काम आई एम गॉर्ड बी वर्ल्ड अब इसका दोनों का डिफरेंस क्या है हाउ ही बिलीव हाउ ही बिलीव और शी दोनों के जो मनी बिलीव है वो बहुत अलग है तो पैसा किसके पास आएगा जिसकी पैसे की फ्रीक्वेंसी पैसे के हिसाब से होगी राइट इफ आई एम यूज टू फीलिंग लॉट ऑफ पीपल से यार मैं पैसे के लिए काम नहीं करता सो हाउ आर यू टॉकिंग अबाउट मनी आशी से रिस्पेक्टफुली और डिसरिस्पेक्टफुल डिसरिस्पेक्टफुली तो विल मनी कम टू मी नो सो वी टीच सम वेरी सिंपल टेक्निक्स विच होपफुल सम पीपल कैन यूज आज के बाद कहीं पर भी पैसा खर्चा करो hmm. लोगों की एक छोटी माइंड सेट जैसे आपने बोला वाई रिच गेट रिचर एंड वाई पुअर गेट पुअर हेयर इज द वन डिफरेंस रिच पीपल वेन दे स्पेंड मनी आर हैप्पी पुअर पीपल वेन दे स्पेंड मनी They are unhappy. They feel हो गया। अरे यार Haan. कितना खर्चा हो गया सुबह से राइट एमेजोन पर जाके कुछ खरीदेंगे अरे बहुत बहुत महंगा हो गया यार कितना महंगा हो गया सब कुछ राइट रिच पीपल दे स्पेंड नाउ द आर्ग्यूमेंट विल बी के उनके पास है इसलिए उनको चिंता नहीं होती नहीं आई कम फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिली शी दज समहाउ बिकॉज ऑफ आर गुड लक हम कुछ ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने हमको ये टेक्निक सिखाई अगली बार खर्चा करो बोलो गो विथ लव ग्रो विथ लव Love, grow, मतलब क्या भाई प्यार से जाओ प्यार से बढ़ो जिसकी भी जिंदगी में आप जाओगे ये पैसा हुँ, हुँ। उसकी जिंदगी में बरकत लाओ तो मैं पैसा खर्च कर रहा हूं ये बोल के कि अगर मैंने ये पैसा खर्च किया जिसके भी पास जाएगा उसकी लाइफ में बरकत लाएगा गो विथ लव ग्रो विथ लव रोज करो करके देखो मैं तो इवन रिफंड प्रोसेस करती हूँ कभी कभी होता है कोई क्लाइंट नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं हाँ। वो थोड़ा एडवांस दे देते हैं और बाद में रिफंड मांग लेते हैं तो मैं रिफंड भी प्रोसेस करती हूँ तो उसके भी जो नोट डालती हूँ उसमें विद लव विद लव लिखते हैं विद लव विद लव तो ऐसा कोई मंत्रा है जो एवरीडे बोल के वो लाइफ अपनी चेंज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आई सींग रीडिंग अबाउट दिस होपो नो नो मंत्रो वॉट इज इट कैन वी चेंज लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आगे बढ़ सकते हैं अपनी फीलिंग्स फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते विद दिस मंत्रो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज होपो होपोनो पोनो ओके सो सो so, uh, हाँ मंत्रा से आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको लाइफ कोचिंग नहीं ज्वाइन uh, कर पा hmm. रहे हैं किसी भी वजह से टाइम मनी या जो भी रीज़न है तो आप सिर्फ होपनो अपनो मंत्रा चांट करने से आपकी लाइफ के बेसिक प्रॉब्लम डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं okay. हाँ बिकॉज फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी आप जब चांट करोगे आई एम सॉरी प्लीज फर्गी मी आई लव यू थैंक यूल बट वॉट बेसिक क्वेश्चन आता है कि आई एम सॉरी फॉर वॉट सो यू आर टेकिंग जो मितेश ने बहुत देर पहले बताया था आप लोगों को आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फीलिंग्स फ्रॉम टूडे आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माई थाट्स फीलिंग्स एक्शंस एंड बिलीव्स सो आई एम टेकिंग हंड्रेड परसेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वॉट आई हैव अट्रैक्टेड तो अगर मैंने अट्रैक्शन किया है कि किसी ने मेरे साथ रूड बिहेव किया या किसी ने कोई मुझे लॉस हो गया या मुझे सक्सेस मिली है इधर आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए मैं आगे चांट करूंगी आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी आई लव यू थैंक यू जब आप ये चांट करते हैं तो आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है okay. और ये शिफ्ट हुई हुई एनर्जी आपको पॉजिटिविटी डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगी यू कैन डेफिनेटली डू दैट एंड बेसिक चैलेंजेस आपकी लाइफ के डेफिनेटली इससे सॉल्व हो सकते हैं ओके फॉर टाइम्स ट्वाइस अ डे अगर कुछ भी गलत होता है तो इमीजिएटली गलत होने के बाद में इंस्टेड ऑफ फीलिंग बैड अबाउट इट आप बोलो आई एम सॉरी प्लीज मी थैंक यू आई लव यू पांच बार बोलो अपने आप फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव होती है, है. Okay. बिकॉज़ हो, हो, ना गुस्से में भी <laughs> <सौरी बोलते है। laughs> हाँ तो इसलिए पूरे चार स्टेटमेंट बोल रहे आई लव यू और आई एम सॉरी दोनों एक ही लाइन में गुस्सा करना बहुत मुश्किल है दैट इज कॉल्ड एज फेक सॉरी

ग्रुप मैनिफेस्टेशन भी कुछ होता है फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट इंडिया इंडिया दावा कर रहा है कि ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा करेक्ट ये ग्रुप मैनिफेस्टेशन भी होता है लाइक एक पॉलिटिकल पार्टी कुछ मैनिफेस्ट कर रही है ओके सो बट ग्रुप uh, मैनिफेस्टेशन है, हाँ. है।, है, है तो इसमें कुछ लोगों की वाइप अच्छी नहीं होगी कुछ लोग की बहुत पॉजिटिव होगी एक एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ कि इलेक्शन शुरू होने के पहले हमने सुना चार सौ पार चार सौ पार बट हाँ. हम उतना नहीं कर पाए बट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट वो कॉन्फिडेंट बहुत थे और मैनिफेस्टेशन भी की थी हर साम दाम दंड भेद सब हुआ बट तो ऐसा हो सकता है कि ग्रुप में शायद किसी की वाइब नेगेटिव हो हो उस वजह से मतलब क्या रीजन सकता है स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन जो पता है 100 होने वाली स्टिल फेल हो जाती है See, बहुत है बहुत सिंपल तो आपने खुद ही जवाब दे दिया कि जो मेजोरिटी फ्रीक्वेंसी होगी वही अट्रैक्शन होगा अगर ग्रुप की बात करें तो हाँ। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल ठंडा पानी ले लो गर्म पानी ले लो इक्वल ले लो अब जो ज्यादा डालोगे वही टेम्परेचर इंपैक्ट करेगा आधे बाल्टी गर्म पानी में अगर आप दो बाल्टी ठंडा पानी डालोगे तो क्या होगा ठंडा हाँ. ही हो जाएगा और अगर आधे बाल्टी ठंडे पानी में अगर आप दो बाल्टी गर्म डाल दोगे तो क्या सो द एनर्जी 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 विल ऑलवेज लोअर लोअर मिनिमम वो तो, तो होना ही है hmm. जैसे इसका एक साइंटिफिक एग्जाम्पल बताता हूँ बहुत सालों पहले यूएस में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जहाँ पे लॉ ऑफ ट्रैक्शन को साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट ऐसा किया था जहाँ पे मॉन्क्स को बुलाया गया एक पर्टिकुलर ऐसी सिटी में एक्सक्यूज मी जहां पे क्राइम रेशियो बहुत ज्यादा था ओके okay. तो क्राइम रेशियो को पहले उन्होंने मेजर किया अब उसको एक ही तरीका मेजर करने का ऑर्गेनाइज तरीका अनऑर्गेनाइज तरीका अनऑर्गेनाइज को तो आप मेजर नहीं कर सकते ऑर्गेनाइज तरीका क्या है कि पिछले महीने पुलिस स्टेशन में कितने कम्प्लेन आए सिंपल है, है? हाँ. तो उन्होंने डॉक्यूमेंट कर लिया उसको अब डॉक्यूमेंट करने के बाद में सौ मॉन्स को बुला के एक पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ के मेडिटेट करवाया कुछ घंटों के लिए और उनको घर भेज दिया उसके अगले महीने क्राइम रेशियो वॉज ड्रॉपी परसेंट क्यों क्योंकि जब ये मॉन्स वहां पे बैठ के मेडिटेट कर रहे थे तो इनकी जो और है वो पूरे सिटी में स्प्रेड हो रही थी और जो भी गलत इंसान गलत सोच रहा था उसको उस पॉजिटिव एनर्जी का ज्यादा इंपैक्ट मिला अच्छा। ग्रुप मैनिफेस्टेशन।, मैनिफेस्टेशन तो जिसकी वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होनी शुरू हो गई और वहां का क्राइम रेशो ड्रॉप हुआ क्राइम इंसान कब करता है जब उसको कुछ बुरा फील होता है जब उसको कुछ गलत विचार आते हैं फिर वो कुछ गलत मान लेता है तब वो गलत एक्शन लेता है

ये प्रेयर हवाईन आइलैंड से फेमस हुआ था ओके okay. वहां पे आज भी आदिवासी लोग अगर उनके गांव में कोई गलत काम करता है तो मैं ये नहीं कर रहा हूं करना चाहिए और उनका कल्चर ऐसा है हाँ. कि हमारे सोसाइटी में क्या होता है कोई गलत काम करता है किसी ने चोरी की तो हम क्या करते हैं हम पकड़ते हैं उसको जेल में डाल देते हैं जेल वहां पे अगर कोई गलत काम करता है अगर मान लो किसी ने चोरी कर ली तो पूरा गाँव इकट्ठा होता है ये ट्रू स्टोरी आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो पूरा गाँव इकट्ठा होता है उसको बीच में खड़ा रखा जाता है और पूरा गांव मिलकर उसके लिए होप अपनो नो चांटिंग करता है कि आई 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 एम एम सॉरी सॉरी प्लीज प्लीज फॉरगिव फॉरगिव मी मी थैंक थैंक यू 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 लव लव और उससे उस, उस इंसान की फ्रीक्वेंसी बदल जाती है और फिर उसको फ्यूचर में गलत थॉट्स थाट्स आते हैं क्योंकि वहां पे वही फ्रीक्वेंसी से काम किया जाता है डॉक्टर hmm. यूलन नाम के जो साइंटिस्ट हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे बट वो एक जमाने में हवाई आइलैंड में एक मेंटल हॉस्पिटल में ही वॉज अ मेंटल साइकेट्रिक हॉस्पिटल डॉक्टर ही वॉज मैनेजिंग अ डिपार्टमेंट Which is in any asylum, be a hmm. पे कुछ ऐसे लोग होंगे जो इतने वायलेंट होते हैं कि वो नॉट ओनली दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं खुद को भी मेंटली चोट पहुंचा सकते हैं आत्महत्या करके hmm. तो इन लोगों को बॉडी बैग्स में रखा जाता है बॉडी बैग यानी एक ऐसा बैग जो आपको इस तरीके से पूरा टाइम बांध के रखेगा hmm. okay. कुछ लोग इतने डेंजरस होते हैं कि अपने होठ खा जाते हैं तो उनको यहाँ पे गार्ड दिया जाता है जिससे वो खुद के होठ ना काट पाए इनको मेंटली ठीक करने के लिए इनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं

प नोपनो से रिलेटेड अलग अलग टाइप के रिजल्ट हेल्थ रिलेशनशिप करियर एंड मनी जो एक्ट्रेस की बात कर रहा था जिसको रिलेशनशिप में अट्रैक्शन नहीं हो रही थी जिसको मूवी नहीं मिल रही थी उनके साथ भी हमने होप नोपनो यूज किया जो नेशनल क्रिकेट प्लेयर की इंदू बात कर रही थी उनके साथ भी हमने होप नोपनो यूज किया उनको बेनिफिट मिलने लगा तो रिजल्ट तो एक ऐसे लेवल पर दिखेंगे आपको जो आप सोच भी नहीं पाओगे एग्जाम्पल देता हूँ एक लड़की हमारी कम्युनिटी में जिसको पानी की एलर्जी है वो नहाती है रोज सुबह और उसकी पूरी बॉडी पे लाल रैसेज आ जाते हैं और mm -hmm. एक घंटे तक वो रहते हैं mm -hmm. रोज पंद्रह साल से mm -hmm. अब उस लड़की ने होप हमारे साथ किया और उसके खत्म हो गए आज तक उसको एलर्जी वापस नहीं आई अब ये, मैं विदाउट एनर्जी तो ये ये तो no हमको स्कूल में फिजिक्स में सेवन स्टैंडर्ड में सिखाया गया था मैटर इक्वल्स एनर्जी एनर्जी के नॉट बी क्रिएटेड एनर्जी के नॉट भी डिस्ट्रॉइड इट कैन ओनली भी ट्रांसफॉर्म फॉम वन फॉर्म टू अर फॉर्म ये तो एनर्जी के कुछ प्रिंसिपल हमने सीखे थे बट hmm. इससे हमको फिजिक्स में यह समझ में साइंटिफिकली आ चुका था कि बॉडी के हर सेल में एनर्जी है तो जब हम मर जाते हैं तो बॉडी नहीं मरती उसके अंदर की एनर्जी जिसको हम सोल बोलते hmm. हैं वो चली जाती है hmm. वो कहां जाती है आज तक रिसर्च से किसी को नहीं पता चला तो उसमें नहीं जाएंगे लेकिन यह क्लियर है कि बॉडी में एनर्जी है कैसे पता चलता है आपको अगर किसी की पल्स देखनी है आप उसके ऊपर एक छोटा सा पल्स रीडर लगा दो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक okay. पल्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल रीडर नहीं होगा तो आप कैसे अगर एनर्जी नहीं होगी तो आप रीड कैसे करोगे ईसीजी है हार्ट के लिए आपके हार्ट में इलेक्ट्रिकल पल्स होती है आप रीड कर सकते हो जो ईसी रिपोर्ट निकालता है तो तो ये तो साबित हो गया कि हर सेल में एनर्जी है एनर्जी के बिना क्या हम जिंदा रह सकते हैं नहीं। नहीं। है? तो, तो, है। है, हाँ। तो मेरी एनर्जी बहुत नेगेटिव हो गई है ठीक हाँ। है हाँ। अब अगर कोई इंसान एक बार नेगेटिव फील होता है कोई बात नहीं बट अगर वो साल भर डिप्रेशन में है तो ये जो इमोशन है ये कहां रह रहा है घर में रह रहा है क्या नहीं, नहीं, तो नहीं, नहीं या। में रह रहा है हाँ। तो मेरी बॉडी में मतलब रह रहा है तो मेरी बॉडी में अच्छा। ये लो करती है अब जब इम्यून सिस्टम लो होगा तो फिर ब्लड प्रेशर डायबिटीज एलर्जी रैशेज ये सारी धीरे धीरे चीजें आनी शुरू हो जाती है अब रिसर्च के मुताबिक ये भी पता चल चुका है कि पर्टिकुलर चक्रा कम होने से या पर्टिकुलर इम्यून सिस्टम कम होने से थॉट्स की पर्टिकुलर बॉडी पे इम्पैक्ट आता है जैसे अगर कॉन्फिडेंस कम हो तो एसिडिटी बढ़ती है hmm. <laughs> yes. oh. अगर किसी को बहुत की आदत हो हार्ट hmm. प्रॉब्लम आता है okay. अगर कोई बहुत ज्यादा जिम्मेदारी लेने की कोशिश कर रहा है hmm. आप देखोगे हर घर ah. में कोई एक ah. ऐसा मिलेगा जो बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करेगा ah. उसके घुटने में दर्द आएगा या तो लोअर बैक में दर्द होगा <laughs> अगर कोई बहुत ज्यादा सोचता है <laughs> सबको अटैक हो गया तो थोड़ा। जिसको है ओवर थिंकिंग की आदत है उसको माइग्रेन और हेड अच्छा लेकिन अगर हम उन इमोशंस को ठीक कर ले बिकॉज यू थिंक अलॉट सो यूर ओवर ड्राइविंग दैट मसल आप जिम में जाके इसी मसल पे पूरा टाइम काम करोगे तो क्या होगा सोर हो जाएगा तो इमोशनली जब आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो बहुत भले ही पॉजिटिव सोचो पर अगर आप ओवर थिंक कर रहे हो तो वो मसल बहुत ज्यादा ओवर यूज हो रहा है तो हेड तो हो गई बट अगर आप सही तरीके से मेडिटेट करना सीख जाओ वो अपनोनो करना सीख जाओ इट इज अ पॉसिबिलिटी कि जिस चीज से हमने अपने आप की नेगेटिव एनर्जी क्रिएट की जिससे हमारी बॉडी बीमार हुई वो कैसे हुई इमोशन से हुई सोच से हुई तो हम उसी इमोशन और उसी सोच से उसको ठीक क्यों नहीं कर सकते आप डॉक्टर के पास चले जाओ किसी के पास जानलेवा बीमारी है डॉक्टर बोलता है मेरी तरफ से तो मैंने सब कुछ कर दिया अब इसके हाथ में कि कितना जीना चाहता है और yes. वहां गेम चालू होता है yes. और उसके आसपास के लोग कितना पॉजिटिव सोचते हैं क्या हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स की कमी है कि जो कैंसर ठीक हो गया किसी का डायबिटीज रिवर्स हो गया बहुत सारे मेरिकल्स हैं कोई कमी नहीं है हम रिसर्च ये नहीं कर रहे कि वो जो मिरिकल्स जिनके साथ हुए वो सिर्फ हेल्थ नहीं था उनके इमोशन ठीक हुए सिर्फ दवाई नहीं थी साथ में थॉट्स और बिलीव्स भी चेंज हुए

उनको ऐसे नॉर्मल भी मेडिसिन दे दो कुछ भी झूठा मोटा और बोल के बहुत ही अस्थमा की मेडिसिन है ये वो शी वॉज़ फाइन उनको कभी कुछ इशू होता ही नहीं था सिर्फ मेडिसिन चाहिए थी कोई भी <laughs> अच्छा आ, हम लोग इसके पहले बात कर रही थी कि कुछ लोगों को कभी कभी सैड होते हैं कभी जिनकी आदत ही है नेचर के बारे में मुझे जानना है कि आ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक मतलब यू आर ऑलवेज़ हैप्पी ऑलवेज़ हैप्पी आदत है बट फॉर नो रीज़न आप सैड फील करते हो कुछ हुआ नहीं रहता फिर भी इज इट बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन और दूसरे लोग का आपने बोला कि वो हम कैसे हैं वो वैसे इम्पेक्ट करेगा बट सपोज इज वेरी हैप्पी बट कभी कभी होता है फॉर नो रीजन दे फील सैड वाई इज इट बिकॉज ओके सो इट कैन मल्टीपल आंसर्स पहला आंसर ये हो सकता है हारमोन भी हो सकते हैं <laughs>

और कुछ हद तक ये भी रीजन हो सकता है कि मेरी हैबिट हो मेरा पैटर्न हो जैसे हमारे एडवांस में हम एक लेसन में एक्सरसाइज करते हैं एक्सरसाइज में आपको बता देता हूं बहुत simple exercise है, हर दो घंटे में एक अलार्म लगा लो अपने फोन पे चेक 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 माय 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 इमोशंस 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 बस okay, check my emotions, अच्छा। check my emotions. ये हफ्ता भर करना है हर दो घंटे में अलार्म बजेगा आपको नोट पैड लेकर लिखना है कि पिछले दो घंटे में, में मैंने क्या फील किया okay. अब लिखते रहो दिन में अगर दो दो घंटे के अलार्म रखोगे तो ज्यादा मेहनत नहीं है छह बार करना पड़ेगा अगर बारह घंटे जग गए तो भी सिर्फ एक ही काम है अलार्म बजा नोट पैड निकालो लिख लो कि पिछले दो घंटे में क्या फील हुआ ऐसा एक हफ्ता करो अगर आपने एक हफ्ता कर लिया तो आपकी इमोशनल हैबिट का ट्रैक मिल गया आपको आपको पता चल जाएगा और आपको मैं गारंटी देता हूँ मैंने वर्कशॉप के बीच में हजार लोगों के सामने ये बैठ के मैं एक्सरसाइज कराता हूँ लोगों को वहीं पे और मैं प्रूफ दे देता हूँ कि देख लो आपको पैटर्न मिल जाएगा कि कुछ लोग हो यहाँ पे जिनको रोज शाम को लो होने की आदत हो गई है और कुछ लोग हैं जिनको रोज सुबह लो होने की आदत हो हो गई है। आपको पैटर्न नजर आना शुरू हो जाएगा hmm. कि कुछ लोगों के सामने आप लो फील हो जाते हो, कुछ में आप लो फील हो जाते हो दीज आर योर हैं ना तो मैनिफेस्टेशन में भी बहुत ऐसे होते हैं जैसे एक मैंने बहुत रिसेंट सुना जब भी मैं रिसर्च कर रही थी ना टॉपिक के बारे में किसी ने मुझे बोला था कि बेलीफ पे कुछ लिख दो और उसको बर्न कर दो एंड दैट सम कम्स ट्रू इज व्हाट पीपल बिलीव राइट नाउ वे टॉकिंग अबाउट बिलीव आई नो कि ये एक तरीके से मैनिफेस्टेशन ही है बट वो सुपरस्टिशन भी तो हो गया ना तो कहाँ पे वो यू नो दैट दैट वेर इज दिन लाइन दैट एंड की दिस इज मैनिफेस्टेशन एंड दिस इज सुपरस्टिशन बहुत सिंपल है जहाँ आप ये मान लो कि वो सिर्फ बिलीफ है रियलिटी hmm. नहीं है वो सुपरस्टिशन हो गया अच्छा

बट uh, पानी के बॉटल वाला लेते हैं okay. जो हम कराते हैं हाँ. जो हमारा काफ़ी फेमस टेक्निक है हाँ. कि एक वाटर बॉटल ले लिया उसके ऊपर हमने एक लेबल लगा दिया उस पर हमने अपने मैनिफेस्टेशन ऑफ लिख दिए उसके बाद में वो पानी को रात भर रखा दूसरे दिन सुबह में पी लिया अच्छा. जो नई बिलीव करता है वो सोचेगा ऐसे कैसे होता है यार हाँ. ये वर्ड्स उसमें कैसे जाते हैं अंदर पानी में कैसे जाते हैं आप मैनिफेस्ट कैसे करते हो बट देर इज़ अ साइंस बिहाइंड इट विच वी हैव स्टडीड एंड वी हैव डिस्कवर्ड दैट येस इट वर्कस एंड देन वी टॉट पीपल जिसको साइंस मालूम है वो बिलीव करेगा और वो बिलीव करके ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक बोल के यूज करेगा hmm. जिसको साइंस नहीं मालूम है वो सोचेगा मितेश बाबा ने एक टोटका दिया है करके तो चलेगा <laughs> बाबा समझ के, समझ के के टोटका करो लेकिन पूरा मान के करो बट अगर ये मानोगे है, तो काम नहीं करेगा, करेगा।, करेगा। यही उसका थिन लाइन है ये मेरी फ्रीक्वेंसी है बट अगर साइंस चाहिए तो मैं बता देता हूँ जो हम करते हैं क्योंकि हाँ। हम बेली फाला तो नहीं करते हैं शब्द लिख लो जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो okay. जैसे अगर मान लो कोई बोलता है तो उस सक्सेस नहीं मिल रही लिख दो आपको पैसा नहीं मिल रहा मान लो आपको महीने का एक लाख रुपया कमाना लिख दो आई एम मेकिंग अब ये पानी भर के रात को आप अपने बेड साइड टेबल पे रखो रोज रात को इसको रहने दो सुबह उठ के पीना इस बोतल को रात को मत पीना अब होता क्या है साइंटिफिकली रात भर ये जो शब्द आपने बॉटल के बाहर रखे हैं एग्जाम्पल अगर ये बॉटल लेता हूं मैं तो इसके बाहर जो मैंने वर्ड्स लिखे होंगे hmm. इस वर्ड्स की एक एनर्जी है okay. और उस एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी है hmm. ये बोतल के अंदर से जाके पानी में समा जाती है क्यों वाटर हैज अ ब्यूटीफुल क्वालिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग एवरीथिंग अच्छा बुरा सब कुछ है. जहर डालोगे एब्जॉर्ब कर लेगा दवाई डालोगे एब्जॉर्ब कर लेगा hmm. तो ये शब्दों की एनर्जी इस पानी में जाती है जब आप सुबह पीते हो इसको यू आर प्रैक्टिकली ड्रिंकिंग वॉट यूट्रैक्ट एंड साइंस इसका साइंस का प्रूफ मैं बताता हूँ साइंटिफिक एग्जाम्पल से डॉक्टर मसारू इमोटो नाम के एक जैपनीज साइंटिस्ट हैं आप गूगल पे सर्च कर सकते हो इसको जिन्होंने पहली बार ये एक्सपेरिमेंट किया टू तो प्रूव एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट क्या करते हैं प्रूफ करते हैं कि भाई हाँ। पॉसिबल है नहीं है हाँ। तो साइंस इज द एनर्जी लेवल पर हम सब एक हैं और हम सबकी एनर्जी एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रही है फ्रीकवेंसी है ओके। तो उसको प्रूफ करने के उन्होंने पानी पे एक्सपेरिमेंट किया इट्स कॉल्ड द वाटर एक्सपेरिमेंट जहाँ इन्होंने क्या किया पानी को छोटे छोटे ट्यूब्स में डाल दिया एक ट्यूब के ऊपर लिख दिया लव दूसरे ट्यूब पे लिख दिया हेट और उसको फ्रीजर में डाल दिया फ्रीजर में डालने के बाद में आइस बन गया आइस बनने के बाद उन्होंने उसको कुछ घंटों बाद निकाला और माइक्रोस्कोप से देखा ओके। तो जब माइक्रोस्कोप से देखा तो जो लव वाला आइस था उसमें फ्लावर जैसा फॉर्मेशन आ गया था सेल्यूलर लेवल पे बहुत सुंदर सा क्रिस्टल बन गया था पानी के सेल्युलर लेवल पे जिसको आप सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हो जैसे बैक्टीरिया आप ऐसे नहीं देख सकते माइक्रोस्कोप से देख सकते हो जब उन्होंने हेट वाला पानी का जो बर्फ है वो लिया उसमें लिटरली बैक्टीरिया जैसे अजीब से शेप निकल गए और काला भी हो। और काला भी हो गया अब सेवेंटी परसेंट हमारी बॉडी का पानी है तो जब हम नेगेटिव फील करते हैं तो ये सेवेंटी परसेंट उन सेल्स को इम्पैक्ट करता है उसका प्रूफ था अब मैं आपको बताती हूँ अब ये एक्सपेरिमेंट अपने घर भी कर सकते हो तो आप एक काम करें अपने घर में दो बोल में चावल लीजिए कुक हुए हुए राइस एक बोल में लीजिए उसमें लिख दीजिए लव okay. और वो बोल ट्रांसपेरेंट ग्लास का बोल ट्रांसपेरेंट ग्लास है हाँ. नॉर्मल हाँ. भी चलेगा उसमें लिख दीजिए लव और वो बोल में चावल रख दीजिए दूसरे में लिख दीजिए हेट okay. जो भी आपको बुरे बुरे अच्छे बुरे शब्द आते हैं अच्छे <coughs> एक बॉल में एक में बुरे बुरे शब्द लव हेट हाँ जो भी आप लिख रहे हैं और वो दोनों बोल को आप रख दीजिए दो दो दिन तीन दिन के बाद में आपको रियलाइज होगा जो चावल में आपने लव लिखा है कुक्ड राइस ओके उसमें फंगस नहीं आएगी एंड विद इन अ डे जिस पे आपने हेट बुरे बुरे शब्द जो भी आपको याद आए वो लिखे हो उसमें आपको विद इन फ्यू आवर्स आपको उसमें फंगस और कीड़े मकोड़े दिखाई देंगे ट्राई 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 करके देखो घर पे कर कर सकते really? हाँ। या, कर आप ट्राए ट्राए कर हो आप करो शाम को ही लेना एक छोटे छोटे बोल लेना और हाँ। उसमें कर लेना आपको विद इन फ्यू आवर्स आपको जो जिसमें आपने हेट वगैरह लिखा रहेगा उसमें आपको फंगस दिखाई देगी आपको कीड़े मकोड़े दिखाई देंगे इंसेक्ट्स दिखाई देंगे ज़्यादा पेशेंस नहीं रात को रख के छोड़ देना सुबह सुबह उठ के देख लीजिएगा आपको दिख जाएगा उससे भी इजी एक्सपेरिमेंट करना है चावल नहीं है घर पे पानी तो होगा हाँ। दो ग्लास पानी ले लो एक ग्लास पे लव लिख दो दूसरे ग्लास पे हेट लिख दो डाल दो बर्फ हाँ। आइस में फ्रीजर में डाल देना ठीक है सुबह तो आइस बन जाएगा हाँ। अब आप सुबह उठने के बाद में उस ग्लास को ट्रांसपेरेंट ग्लास इसलिए लेने कह रहा हूं मैं कि सुबह उठने के बाद में दोनों ग्लास का ऊपर से नीचे से साइड से सब जगह से पिक्चर ले लेना और देख लेना

Okay. कुछ चीजों को बिलीव करने की जरूरत नहीं है वो काम करती है क्योंकि वो साइंस है योर माइंड नोज वट इज द मीनिंग ऑफ कैंसिल मोमेंट यू से कैंसिल कैंसिल इट वर्क अब अगर किसी आदिवासी को बोलोगे बोलो कैंसिल बोलो, कैंसिल उसको कैंसिल कैंसिल का शब्द का मतलब नहीं मालूम तो क्या उस पर काम करेगा नहीं, उस पे काम नहीं करेगा हुँ. क्योंकि उसको कैंसिल कैंसिल का मतलब नहीं मालूम है उसको उसकी भाषा में समझाना होगा आपको हाँ, हमारे इमोशंस हमारे विचारों में होते हैं आप विचार बदलो इमोशन बदलेंगे वर्ड्स बदलो इमोशन बदलेंगे इमोशन बदलेगा एक्शन बदलेगा एक्शन बदलेगा रिजल्ट बदलेगा

Lastly, I just want to thank you guys thank for you. taking out the time to, for talking thank to you. us thank you. and to yeah. our audiences as well. Also, Saloni.

थैंक यू थैंक थैंक यू यू और मितेश और इंदु की स्टाइल में हम लोग बोलेंगे ये वीडियो वायरल हो गया है मैनिफेस्टेशन हो गई है सो मैं वायरल करूँ थैंक यू सर थैंक यू